लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी हम पूर्णिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हम लोग ले रहे हैं कि आखिर पूर्णिया का सांसद कौन बनेगा। हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं रुपोली प्रखंड 04 के पूर्व जिला पार्षद हैं, इनसे जानते हैं आखिर पूर्णिया का सांसद किसे बनाना चाहता है, आखिर कौन बनेगा, आखिर इनका पब्लिक आखिर किनको सपोर्ट करेगा। अगर 04 के जिला पार्षद पूर्व जिला पार्षद आखिर किनको सपोर्ट करेगा जनता, आखिर इन इन लोगों के पास जनता आ रहा, अगर जनता को यह क्या राय दे रहा, इन सर सर हमारे चैनल सर आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद जी सर, ये बताइए कि आखिर पूर्णिया का सांसद कौन बनेगा। पूर्णिया का सांसद जनता निर्णय ले चुकी है पूर्णिया लोकसभा की। इस बार पूरे देश में पूर्णिया की जनता एक इतिहास रचने जा रही है, पूरे देश को एक संदेश देना चाह रही है यहाँ की जनता, जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम किया है। और यहाँ की जनता यह जवाब देना चाहती है कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो क्षेत्र का काम करें, जो जनता के हर सुख दुख में साथ रहे, ऐसे सांसद प्रत्याशी को चुनने का काम करेंगे। और इसमें सबसे बेहतर पूर्व सांसद यहाँ के भाई राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं, जो इनको अपार समर्थन इस क्षेत्र से, रुपौली प्रखंड हो, भवानीपुर हो, इस क्षेत्र से हम काफ़ी जगह घूमे और लोग मन बना लिया है कि हमको सांसद के रूप में पप्पू यादव ही चाहिए, कोई जाति धर्म नहीं। जितने भी इसके पीछे विभिन्न दलों के लोग यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, किसी दल का 40-42 नेता हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, पूरा कैंपेनिंग किए हैं पूर्णिया का, किसी दल का 24-25 विधायक मंत्री सारे लोग कैंपेनिंग किए कर रहे हैं, लेकिन इनके बहकावे में जो ये विभिन्न जाति से यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं कि ये कुर्मी जाति का है तो कुर्मी जाति का नेता भेज दो, ये बनिया का है तो ये बनिया का भेज दो, यहाँ मुस्लिम जाति है तो मुस्लिम में, यादव है तो यानी विभिन्न जातियों में बांटना चाहती है सब दलों के नेता। लेकिन एक ऐसा शख्स जो पप्पू यादव ही हैं, जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, इनको सिर्फ पूर्णिया का विकास से मतलब है और आने वाले भविष्य में यहाँ का एक एक जनता तो इसको लोकसभा भेजने का काम कर रही है और हम लोग का भी पूर्ण समर्थन है, क्योंकि हमारा भी जो राजनीतिक करियर रहा है, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं और इसलिए पप्पू यादव हमारा पहली पसंद है। ये इन्होंने भी जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोग देश में बिहार में यदि नेता पैदा होते हैं तो बिहार का विकास जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम होगा और यह संदेश जाएगा पूर्णिया की जनता के द्वारा, एक इतिहास रचेगी और पप्पू यादव यहाँ का सांसद बन चुके हैं मोटा मोटी। कल मतदान होना है और यहाँ पूर्णिया लोकसभा के मतदाताओं से हम अपील करेंगे, किसी भी बहकावे में, पैसे के लोभ में, दारू नशा के लोभ में, ये सारे प्रपंच से ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप अपना एक एक मत, आप भाई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कैची छाप, जो इनका क्रमांक संख्या 6 पर है, इनका इनको अपना एक एक मत, इतना मत दे के भेजे ताकि दिल्ली और पटना में बैठे नेता जो जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, इनको अभी होश ठिकाने आना चाहिए कि पूर्णिया की जनता जात और धर्म के फेर में नहीं है, पूर्णिया की जनता विकास के फेर में है, पूर्णिया कि जनता हर दुख दर्द में साथ रहने वाले भाई राजेश रंजन और पप्पू यादव का चुनाव चिन्ह कैची छाप पर एक एक मत देकर यहां से लोकसभा भेजने का काम करेंगे। हम लोग ने पूरा मन बना लिया है और पूरा सहयोग हर चीज से, तन हो, धन हो, मन हो, हर चीज से हम लोग इनके साथ लगे हुए हैं और यहाँ की जनता से हम पुनः प्रणाम करके अपील करते हैं, सलाम करके अपील करते हैं कि आप अपना एक एक मत भाई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कैची छाप पर, जो क्रमांक संख्या 6 पर है, अपना अपार मत देकर इन्हें लोकसभा भेजने का काम करें और आने वाला समय में भाई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
आपके हर दुख दर्द में साथ रहेगा, यह मेरी गारंटी है। आपका कोई भी दुख दर्द में हो, आपका भाई राजेश रंजन और पप्पू यादव आपके बीच रहेंगे, रहते हैं और रहेंगे भी, यही हम आम जनता से अपील करते हैं। जिस तरह का आप बोले राजेश पप्पू यादव के बारे में, आखिर संतोष कुशवाहा भी तो आपके पूर्णिया में 10 साल बेमिसाल काम किए हैं। नहीं, इनका कोई कार्यक्रम नहीं रहा, इनका कोई कार्यक्रम नहीं रहा। भाई संतोष कुमार वे हमारे आदरणीय हैं, लेकिन इनका कार्यकलाप अच्छा नहीं रहा। और आज के डेट में यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा, इनका अपने फेस वैल्यू क्या है ये बतावे, संतोष कुशवाहा हो या कोई हो, ये अपने नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री का सहारा लेंगे, ये मुख्यमंत्री का सहारा लेंगे। भाई आपको हम बताना चाहते हैं, भारत का संविधान अनुच्छेद 75 ये कहता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति किसको नियुक्ति करेगा, जो सांसद प्रधानमंत्री का चयन करेगा। लोग गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये आप लोकसभा सदस्य का चुनाव करते हैं और लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। और यहाँ अनुकंपा पर भी राजनीति करने वाले लोग, हम नाम लेना नहीं चाहते, पूरा हेलीकॉप्टर गिरा रख रहे हैं, जिनका कोई अपना फेस कोई अपना फिगर नहीं, अनुकंपा की राजनीति करते हैं। और अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोग, पूर्णिया की जनता इसको जवाब देगी, यहाँ अनुकंपा की राजनीति करने वाले के साथ जनता नहीं है, यहाँ जो जनता के हर दुख दर्द में साथ रहेगा उनके साथ पूर्णिया की जनता है। और इनका एक एक वोट भाई राजेश रंजन और पप्पू यादव को कैची छाप पर यहाँ की जनता अपार मतों से बिहार का ही नहीं पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ेगा पूर्णिया की जनता। जिस तरह के आप बोले संतोष कुशवाहा के बारे में, ठीक है, जिस तरह आप बोले बीमा भारती भी आपके क्षेत्र में 25 साल ये काम किए, जिस तरीके से बीमा भारती बोल रही है, हम आपके क्षेत्र में 25 साल विधानसभा में काम किया, अगर विधान से एक बार हमें लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में जीत जाते हैं और इससे ज्यादा काम करके आपको दिखाएंगे। नहीं, यहाँ की जनता भुलावा में रह गई थी, इसलिए ऐसे लोगों का चयन हो गया था। कहे ना आपको हम कि देश का पहला नेता भाई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव है, जो कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करता है। और किसी का नाम बता दीजिए, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, कोई जाति के नाम पर वोट मांगेगा, कोई क्षेत्र के नाम पर वोट मांगेगा। यदि क्षमता है तो अपना काम के बल पर, अपना वर्क के बल कर, जनता के दुख दर्द के सहमति होके आप वोट मांगिए ना। आप तो वोट मांगते हैं जाति के नाम पर, आप तो वोट मांगते हैं धर्म के नाम पर। और देश को तोड़ने वाली ताकत, जो कि जाति और धर्म में विभिन्न हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हम पुनः अपील करेंगे पूर्णिया की जनता से, आप अपना भाईचारा, आप अपना सद्भावना से, कोई लड़ाई नहीं कुछ नहीं, एकदम भाईचारे बना के रखें। आपको जाति में बांटने का कोशिश करेगा, आपको धर्म में बांट, आपको लड़ाना चाहेगा, आपको लड़ना नहीं है। आप अपना भाईचारा नहीं खोइएगा, अपना भाईचारा बना के रखिएगा, और अपना एक एक बहुमल्य मत, जो कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर, जो कि हर जाति का नेता है, हम कहते हैं आज चाहे नीतीश जी हो या देश के प्रधानमंत्री हो, कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में भाजपा के ओबीसी का नेता, ईबीसी का नेता, यादव का नेता, कुर्मी का नेता, राजपूत का नेता, बनिया का नेता, ये पाठ पाठ नेता बते हुए, लेकिन हमको बताए लोग कि देश का नेता कौन है, समाज का नेता कौन है। आप नेता हैं जाति और धर्म में बांटकर मुस्लिम का नेता, लेकिन देश का नेता कौन होगा, समाज का नेता कौन होगा, तो वह समाज और देश का नेता पूरे देश में यदि है कोई, तो अकेला पप्पू यादव भाई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव है, दूसरा कोई नेता देश का नहीं है। सब जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, और जाति और धर्म की राजनीति करने वाले का हम विरोध करते हैं। ऐसे लोग समाज को वैमनस्य पैदा करते हैं, ऐसे लोग समाज में लड़ाई लगाते हैं, सब हमको लड़ना नहीं है। हम पुनः अपील करेंगे पूर्णिया लोकसभा की जनता से कि आप अपना एक एक मत भाई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को देना है क्रमांक संख्या 6 पर, और भाईचारा और सद्भावना बना के रखना है, इसे टूटने नहीं देना है, हमारी सद्भावना और भाईचारा बनी रहे, यह हम अपील करेंगे पूर्णिया लोकसभा की जनता से। एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से आप बोले हमारे पूर्णिया के जितने भी युवा है, नौजवान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, कितने बूढ़े बुजुर्ग हैं जो बाहर कमाते हैं, दिल्ली कमाते हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से हमारे पूर्णिया में बनबनकी में चीनी मिल था, क्या लगता है पप्पू यादव के जीतने के बाद चीनी मिल चालू होगा या जूट मिल चालू होगा, ये सब होगा या नहीं होगा? नहीं, निश्चित रूप से भाई राजेश रंजन ने
आपको संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि हम 10,000 युवाओं को रोजगार देंगे। और पप्पू यादव भी एक ऐसा नेता है देश में जो बोलता है वो करता है, दूसरा कोई नेता नहीं है, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, पीठ पीछे कुछ उसके पीछे कुछ, ऐसा नहीं है। एक ही ऐसा नेता है पूरे देश के अंतर्गत जो बोलता है वो करता है। चाहे पूर्णिया की सुरक्षा की बात हो, इन्होंने लिखा है सबकी सुरक्षा सबका न्याय सबकी सेवा, सबकी सुरक्षा, किसी को पूर्णिया लोकसभा में डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर यदि कोई भी ऐसा अन्याय होगा तो भाई पप्पू यादव आपका सुरक्षा कवच बनकर खड़ा रहेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। रोजगार होगा, सारे चीज होंगे, इनको जीतने से सारे चीज होंगे पूर्णिया लोकसभा में, और जाति और धर्म से ऊपर उठकर होंगे। जात पूछ कर सेवा नहीं करता पप्पू यादव कि आप फलना जाति के हैं, किसी से पूछा आज तक रिकॉर्ड है कि आप चल जाइए किसी भी परिस्थिति में, आपका उसको जो होता है सेवा करता है। सेवा करने में तो उसने नहीं पूछा कि आप इस जाति के होते आपका सेवा करेंगे, इसलिए ऐसे नेता को नहीं चुनेंगे तो किसको चुनेंगे। इसलिए पुनः अपील पूर्णिया लोकसभा की जनता से, भाई राजेश रंजन और पप्पू यादव को एक एक अपना बहुमूल्य मत, आपको बिकना नहीं है, जाति में बटना नहीं है, आपको अपना एक एक बहुमूल्य मत आप भाई राजेश रंजन और पप्पू यादव को देकर कैची छाप पर क्रमांक संख्या 6 आप अपना बहुमूल्य मत जिताबे। यही पुनः अपील करते हुए मैं आपसे पूर्णिया लोकसभा जनता से अपील करता हूँ।